गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर फोर, वही चैप्टर 18 है लेकिन चैप्टर फोर है चूँकि फिजिक्स का पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग आँख की समंजन क्षमता पढ़े थे, तो यह वास्तव में आँख में होने वाले दृष्टि दोष से संबंधित चैप्टर है। तो आँख की समंजन क्षमता हम लोग पढ़ लिए थे, अब पढ़ना है नेत्र का दूर बिंदु, निकट बिंदु, दृष्टि विस्तार। तीन चीजें पढ़ना है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कभी कभी एक नंबर में पूछता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार भाई पता नहीं एग्जामिनर का मूड है, एक नंबर में पूछ ही लिया कि निकट बिंदु किसे कहते हैं, स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, या नेत्र का विस्तार किसे कहते हैं। तो परिभाषा हमने लिख दिया है यहाँ पर। वैसे जनरली बता दिया जाता है कि दूर बिंदु अनंत होता है स्वस्थ आँख के लिए, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, और अनंत से 25 सेंटीमीटर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक, दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ठीक, दृष्टि विस्तार अनंत से 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी, इतना जनरली बच्चों को बता दिया जाता है। पहली बार मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन नोट कर लें। नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र से दूर वह बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता के, समंजन क्षमता उसको न लगाना पड़े, यानी सिलियरी मांसपेशी पर न दबाव को, सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस पर न तो दबाव बढ़ाए न तो दबाव घटाए, आराम से रहे, रेस्ट पोजीशन में रहे, तो वह है बिना समंजन क्षमता लगाए। करा आंख बिना समंजन क्षमता के अस्पष्ट रूप से देख ले, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र से दूर वह बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए या बिना समंजन क्षमता के अस्पष्ट रूप से देख ले, दूर बिंदु कहलाता है। और लिखा हमने कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक, अब निकट बिंदु के लिए आंख को समंजन क्षमता लगाना पड़ता है। नेत्र से निकट वह बिंदु जिसे नेत्र अपना समंजन क्षमता लगाकर अस्पष्ट रूप से देख ले, निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र विस्तार या सॉरी दृष्टि विस्तार क्या है, निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत, अनंत का सिंबल हमने ले दिया है। के बीच की दूरी को या के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर इन ब्रैकेट है ये, और ये और है, और दूर बिंदु अनंत के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। इसको नोट कर लें आप लोग। अब हम पढ़ते हैं दृष्टि दोष। जैसे मेरी आंख में दृष्टि दोष है, क्या समस्या है पता है? जैसे मैं आंख किताब ऐसे देख रहा हूं, पूरा एकदम लिपा हुआ ऐसे यहां से पढ़ रहा हूं तो पढ़ पा रहा हूं इतना दूरी से, देखो पहले, जबकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अगर आंख की समंजन क्षमता ठीक होती तो मैं यहां से पढ़ लेता, जहां से आप लोग पढ़ लेते हैं, यहां से मैं कदापि नहीं पढ़ सकता। कारण क्या है? मेरी आंख की समंजन क्षमता कमजोर हो गई है, ठीक है, छीण हो गई है, इसलिए हम निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहे हैं।
यहाँ पर लिख एक छोटी सी परिभाषा लिखा है हमने, आंख की समंजन क्षमता का कमजोर होना दृष्टि दोष कहलाता है। होता क्या है, अभी आपने पढ़ा था, एक सेकंड, बीच में फोन आ गया है, आज रेनी डे था, ऑफिस पूरी तरह से बंद है, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ तो फोन भी रिसीव करना पड़ रहा है अभिभावक का, क्षमा चाहूंगा। तो आंख की समंजन क्षमता का कमजोर होना दृष्टि दोष कहलाता है। जब आंख की समंजन क्षमता कमजोर पड़ जाती है तो होता क्या है, जरा देखो, ये आपका नेत्र लेंस है, आपका ये आपकी रेटिना है, ये रेटिना है, ये पीठ बिंदु है, एक मुख्य अक्ष ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर ही लेते हैं, गई तो पता चला कि पीठ बिंदु के पहले फोकसित हो गई, या ऐसे होता है, जरा देखिए, यह है आपका ये नेत्र लेंस, मुख्य अक्ष है, कोई प्रकाश की किरण गई तो पता चला ये जो है रेटिना के पीछे फोकसित हो रही है, देख रहे हैं, या तो रेटिना के पहले ही फोकसित हो जा रही है या रेटिना के बाद फोकसित हो रही है, ठीक है। तो मेरे में तो यह है, रेटिना के पीछे फोकसित हो रही है, इसीलिए खींच करके ऐसे करता हूं किताब को तब पढ़ पाता हूं, ठीक है। अब कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, ऐसे देखिए, हो एकदम आँख धंसा देते हैं किताब में तब पढ़ते हैं, और हमारी तरह जो है ऐसे पढ़ते हैं, अगर चश्मा नहीं है तो, कभी कभी चश्मा भूल जाता हूँ तो पढ़ना पड़ता है ऐसे ही निगाह लगा करके, मोबाइल का नंबर तो देख ही नहीं पाता, ठीक है, खोज नहीं पाता, अंदाज के भरे लहा दूँ नहीं तो फिर लहता नहीं है, तो ये हो जाता है, ठीक है। कभी और कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसी लाइन है, इसमें यह बात नहीं होती है कि ये पहले या बाद में फोकसित होना होने की बात नहीं होती, इसमें कुछ और बात होती है। अगर आप खड़ी पाई देख रहे हैं तो पड़ी पाई नहीं देखेंगे, अगर वर्टिकल लाइन देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाएंगे, अगर हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो वर्टिकल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो पहला आपके लिए लाइन देख रहे हैं, एक समय ये नहीं दिख रही है, ठीक, खड़ी पाई, या पता चला कभी आप खड़ी पाई देख रहे हैं तो पड़ी पाई नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा भी दोष होता है, ठीक है। एक तो होता है, एक और है, कलर ब्लाइंडनेस जो है जन्मजात होता है, जो आपके हवाई जहाज में जो पायलट्स होते हैं, पायलट्स उनका यही कलर विजन चेक होता है, तो लाल को काला कह देंगे, हरा को पीला कह देंगे, गायब। अरे बहुत लोगों में होता है, दूर से जब देखेंगे तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन हम लोग पता नहीं पाते, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, नज़दीक से तो लाल पीला काला नीला होता है। हाँ एक बात यह भी है, समझ आएगा इसमें, कभी क्लास मिलेंगे तो बताएंगे, याद किया राणा सर क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस रंग को मैं लाल कह रहा हूँ उसको आप भी लाल कह रहे हैं, बहुत लंबा विषय है ये, तो कभी क्लास में मिलिएगा तो पूछिएगा आप, तो हम बताएंगे आपको। तो ये दृष्टि दोष हो गया, समंजन क्षमता कमजोर पड़ जाती है तो अपवर्तित किरण कभी रेटिना के पहले फोकसित हो जाती है, कभी रेटिना के बाद फोकसित हो जाती है, तो क्या आ जाता है, दृष्टि दोष आ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, इस दृष्टि दोष का निवारण करते हैं। तो आइए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दृष्टि दोष के प्रकार पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष पांच प्रकार का होता है, जिसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा
दूर दृष्टि दोष जो मुझ में है, जरा दृष्टि दोष, अविद्युक्ता, वर्णांधता, पांच प्रकार के हैं। पांचों को बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें दो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन है? जो किताब को ऐसे पढ़ता है, आंख के पास सटा के पढ़ता है, देख रहे हो ना, इसे क्या कहेंगे कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन ऐसे कर रहा है तो नहीं पढ़ पा रहा है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख रहा, ऐसे पढ़ रहा है। तो आपको एक किताब इसलिए दिखा रहा हूं तो आप समझ जाए कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ता, मैं नहीं देख पढ़ पा रहा हूं, ऐसे पढ़ता है, यानी 25 सेंटीमीटर से बहुत कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जब वो ले आता है किताब को तब पढ़ पाता है, ठीक है। तो यह जान लो ये निकट दृष्टि दोष है, जब नजदीक से कोई पढ़े 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर पढ़े तो वो नजदीक निकट दृष्टि दोष होता है। कहने का मतलब यह है, परिभाषा में तो ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, लग तो ऐसा रहा है परिभाषा से, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे, निकट की, और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई न दे, उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु अस्पष्ट और दूर की वस्तु, दूर की वस्तु लिखना भूल गया हूं, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे और नजदीक की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई न दे। यहां हम अक्षर को पढ़ने की बात कर रहे हैं तब 25 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 25 सेंटीमीटर की बात। अगर कोई 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ठीक से पढ़ पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, अगर 25 सेंटीमीटर पर नहीं पढ़ पा रहा है, दोष तो है लेकिन नजदीक करने पर पढ़ पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। दूर की वस्तु मतलब 25 सेंटीमीटर पढ़ने के लिए, और कोई बड़ी वस्तु देखने के लिए कुछ और होता है, ठीक है। तो वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु अस्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, एक कारण तो यह है। दूसरा कि नेत्र के गोलक के व्यास का बढ़ जाना, यही जो नेत्र का गोलक है ये फैल गया है ना, चाहे फैल गया हो या इसकी फोकस दूरी घट गई हो, तो होता क्या है कि किसी बिंदु से अगर प्रकाश की किरण चल रही है वो क्या हो रही है, वो पीत बिंदु के पहले ही फोकसित तो हो जा रही है, ठीक है। ये जो किरण आरेख बनाया हूं ये निकट दृष्टि दोष के लिए है। अब इसका निवारण कैसे होगा इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तभी तुमका जवाब पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद दे रहा हूँ इसीलिए कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा आएंगे तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, नोट कर लीजिएगा, समय ही नहीं रहेगा कि भाई स्कूल खुलेगा सर जी पाठ एक से पढ़ा रहे हैं, इतने बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं, मर मर पढ़ा रहे हैं 20 जून से। चलिए ठीक है, और 9th वाले 10th वाले फिर बता दे रहा हूँ, एक वीडियो भेजा हूँ, बोर्ड फीस 2 महीने की फीस जमा कर दीजिए, नहीं तो इस विद्यालय में आपका नाम है वह विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा, परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। एक अध्यापक कह रहे थे कि कहाँ फीस लग रही है, जिसके पास मोबाइल न हो, हम कहा भाई मुख्यमंत्री जी से पूछिए, कहा अभी मुख्यमंत्री को फ़ोन लगाता है, अभी मुख्यमंत्री को फ़ोन लगा के मेरे पास रह गए, उनका बच्चा तो रह जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं चलूँ उनके बच्चे की फीस भरूँ, बोर्ड परीक्षा शुल्क दूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है।